Hello parents, if you are new, please subscribe the channel. If you find the video useful, please like, share and comment. Now let's start today's video. आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास टू सिलेबस. ये सिलेबस CBSE एंड ICSE दोनों बोर्ड के लिए सुटेबल है. एक्चुअली ये वीडियो मैंने अपनी एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बनाया है, और क्योंकि क्लास टू का सिलेबस थोड़ा लेंदी हो जाता है तो ये वीडियो मैंने दो पार्ट में बनाया है. इस पार्ट में आप इंग्लिश एंड हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं. इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मैथ्स एंड EVS का सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगी. वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अगर कोई भी क्वेरी होगी या किसी भी टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. नाउ लेट स्टार्ट. फर्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों को पढ़ाया जाता है. इनमें फर्स्ट आता है नाउन. नाउन में बच्चों को नाउन क्या होता है उनकी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है. देन उसमें कॉमन एंड प्रॉपर नाउन पढ़ाया जाता है, जेंडर पढ़ाया जाता है, वन एंड मैनी पढ़ाया जाता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन ग्रामर अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. इस तरह से शॉर्ट में डेफिनेशन बताई जाती है. फिर उससे रिलेटेड उन्हें डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं. सेंटेंस में अंडरलाइन द नाउन, यानी सेंटेंस में उन्हें नाउन फाइंड आउट करना है. देन कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से रिलेटेड इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की वर्कशीट्स कराई जाती हैं. नेक्स्ट आता है नाउन नंबर. मीन्स इसमें बच्चों को वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है. लाइक वन बुक, मैनी बुक्स, वन आई, मैनी आईज. इस तरह से वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है. एंड लास्ट इसी टॉपिक के अंडर में बच्चों को जेंडर पढ़ाया जाता है. जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल. इसमें लाइक फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट. तो ये सारी चीज़ें नाउन के अंडर में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन. प्रोनाउन में बच्चों को ही, शी, आई, यू, दे, वी, आर, इन सब का यूज बताया जाता है कि कहाँ पे हम लोग ये सारे वर्ड्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ब. पहले बच्चों को वर्ब की डेफिनेशन बताया जाता है कि वर्ब क्या होता है. फिर वर्ब में ही प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस बताया जाता है. देन उसमें हेल्पिंग वर्ब बताया जाता है, लाइक इज, आर, एम, वॉज, वर का यूज बताया जाता है. और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब में ing फॉर्म बताया जाता है, लाइक प्ले. प्ले इज वर्ब, तो प्ले में ing लग जाएगा, तो प्लेइंग. स्लीप, स्लीपिंग. तो इस तरह से ये सारी चीजें वर्ब के अंडर में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वर्ब में सबसे पहले बच्चों को पिक्चर के थ्रू लाइक रन, ड्राइव, डांस, वॉक, मीन्स जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, उन्हें वर्ब कहते हैं, ये बताया जाता है. देन उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं. सेंटेंस में उन्हें वर्ब फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है. देन उसके बाद बच्चों को वर्ब में प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस का यूज कराया जाता है. लाइक वीर प्लेज क्रिकेट, दिस इज प्रेजेंट टेंस. एंड वीर प्लेड क्रिकेट यस्टरडे. यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल. तो यस्टरडे में प्लेज की जगह ईडी लग गया, प्लेड, यानी वर्ब का पास्ट फॉर्म लग गया. तो इस तरह से वर्ब में प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस बच्चों को पढ़ाया जाता है. हाँ, एक चीज और, प्रेजेंट टेंस में भी कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ ES लगाना है, ये सारी चीजें भी बच्चों को पढ़ाई जाती हैं. लाइक जब हम लोग फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगता है. और जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, लाइक ही, शी, दे, तो वहां पे सॉरी ही, शी, यहाँ पे बच्चों इसमें वर्ब में एस यानी वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगता है. तो ये सारी चीजें बच्चों को क्लास टू में क्लियर कराई जाती हैं. तो इन सब टॉपिक पे अगर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए, आप चाहते हैं कि ये टॉपिक्स मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर करूंगी. देन उसके बाद वर्ब में ही एम, इज, आर का यूज, वॉज एंड वर का यूज हम कहाँ करते हैं, उससे रिलेटेड डिफरेंट एक्सरसाइजेस बच्चों को कराई जाती हैं. एंड नेक्स्ट वर्ब में ing फॉर्म, लाइक स्लीप, स्लीपिंग, फील, फीलिंग, सिंग, सिंगिंग. ये सारी चीजें बच्चों को क्लास टू में आप करा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं. जैसे नाउन को अगर हम नाउन के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करते हैं तो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्डिंग. बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग कैसी है, टॉल है. तो टॉल डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो टॉल एडजेक्टिव हो गया, बिल्डिंग हो गया नाउन. इस नाउन के बारे में हम लोग ने क्या बात बताई, टॉल है ये बिल्डिंग, तो दिस इज एडजेक्टिव.
बॉय लिटिल, तो बॉय नाउन है एंड लिटिल बॉय के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बॉय कैसा है, बॉय लिटिल है, तो लिटिल इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, मीन्स ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इससे रिलेटेड बच्चों को डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्ब। एडवर्ब की बच्चों को डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस लाइक यहाँ पे वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट वर्ब, वो वर्ड जो वर्ब के बारे में और ज़्यादा बताते हैं उसे बोलते हैं एडवर्ब। लाइक फास्ट है तो फास्टली, ठीक है, लाउड है तो लाउडली, केयरफुल है तो केयरफुल्ली, तो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइनिंग वर्ड्स कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मीन्स एंड और बट का यूज करके टू सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाता है, ये जो होते हैं इसे कंजंक्शन कहते हैं। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं अनीश इज रिच ही इज अनहैप्पी, अनीश इज रिच बट ही इज अनहैप्पी, यहाँ पे बट लगा के इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करा दिया गया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह के जो एंड और बट ये सो वर्ड है, इन्हें कंजंक्शन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लाइक इन, ऑन, अंडर, नियर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं लाइक बिटवीन, इन, ऑन, अबव, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, लाइक वाव, ओह, हुर्रा, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शंस होते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस के आगे जब ऐसे वर्ड्स लग जाते हैं तो सेंटेंस को पढ़ते ही फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है कि इस सेंटेंस को बोलने के पीछे क्या फीलिंग्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन। बच्चों को कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ हम कैपिटल लेटर लिखते हैं ये बताया जाता है। पंक्चुएशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, इन सारे चीज़ों की नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है द एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी इसका यूज़ बच्चों को बताया जाता है कि कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल ए, एन और द का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किन वर्ड्स के लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को क्लास टू में कराई जाती हैं। नेक्स्ट इज जंबल वर्ड। जंबल वर्ड में कोई भी वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग को जंबल्ड करके दिया जाता है, उसको बच्चों को गेस करके पता करना होता है कि कौन सी स्पेलिंग है। लाइक ओ एम सी ई, तो इसको अगर करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सी ओ एम ई कम, तो इस तरह से जंबल वर्ड बच्चों को कराया जाता है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स कि कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं तो उन्हें बच्चों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर लाइक ए बी सी डी इस ऑर्डर में करना होता है। लाइक यहाँ पे देखिए डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं, जेड से, यहाँ पे कुछ रेड से हैं कुछ ब्लू से हैं, जेड एस वी एच, तो इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। लाइक इसमें से देखेंगे जेड एस वी और एच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, तो बच्चे ए बी सी डी इस तरह से पढ़ के देखेंगे कि इन फोर लेटर्स में से एच वी जे और एस में सबसे पहले कौन सा आता है। तो सबसे पहले ऑफकोर्स एच आता है, तो सबसे पहले हम लोग एच वाला नेम लिखेंगे, हर्ष, देन एच के बाद फिर आगे ए बी सी डी पढ़ेंगे और देखेंगे एच के बाद इनमें से कौन सा लेटर आ रहा है। तो ये होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंटेंस। बच्चों को सेंटेंस फॉर्म करना सिखाया जाता है, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सेंटेंस को भी जंबल्ड वे में दिया होता है, जिस तरह से यहाँ पे वर्ड को जंबल्ड वे में दिया हुआ है, सेंटेंस को जंबल्ड वे में दिया जाता है और बच्चों को बोला जाता है कि उसको करेक्ट फॉर्म में लिखें। लाइक यहाँ पे लिखा है इज द दिस लॉयन, तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो क्या आएगा, दिस इज द लाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अपोजिट्स। बच्चों को अपोजिट्स वर्ड कराए जाते हैं लाइक डे, नाइट, अप, डाउन, हैप्पी, सैड, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स कराए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिमिलर मीनिंग वर्ड्स मीन्स सिनोनिम्स। सिमिलर मीनिंग वर्ड्स मीन्स कि जिनकी मीनिंग्स तो सेम हो बट वर्ड डिफरेंट हो। लाइक हैप्पी, हैप्पी को हम ग्लैड भी बोलते हैं, टाइडी, टाइडी को हम क्लीन भी बोल सकते हैं, तो इस तरह के सिमिलर मीनिंग वर्ड्स बच्चों को कराए जाते हैं। नेक्स्ट हैज़, हैव एंड हैड। हैज़, हैव, हैड का यूज़ बच्चों को कराया जाता है। नेक्स्ट इज डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली में लाइक वॉट, वैन, वेयर, हु, तो ये सारे वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, इनका क्या यूज़ है, ये बच्चों को कराया जाता है।
नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म में लाइक डू नॉट का डोंट, इज नॉट का इजेंट, आर नॉट का आरेंट, तो ये सब शॉर्ट फॉर्म बच्चों को सिखाया जाता है इन्हें लिखना और बोलना. नेक्स्ट कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक दी होती है, इजी सी टॉपिक होती है, और उस टॉपिक पे बच्चों को 4-5 लाइंस लिखनी होती है, लाइक माय टीचर, माय हॉबीज, माय बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से इजी सी टॉपिक दिया जाता है और उनको 4-5 लाइंस लिखनी होती हैं. एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि एक पैसेज दिया होता है, एक शॉर्ट स्टोरी दी होती है, और उसी स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को वो स्टोरी पढ़ के उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. लाइक इस तरह से शॉर्ट स्टोरी है और इसी स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को शॉर्ट आउट करने होते हैं. नाउ नेक्स्ट अब हिंदी स्टार्ट करते हैं. हिंदी में फर्स्ट है भाषा. बच्चों को भाषा के बारे में पढ़ाया जाता है, भाषा कितनी प्रकार की होती हैं, लाइक लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा. नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण एवं वर्णमाला. वर्ण एवं वर्णमाला में बच्चों को बताया जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला में बच्चों को स्वर व्यंजन कितने होते हैं, कैसे उन्हें यूज़ करना है, ये सब बताया जाता है. लाइक दिस, यहाँ पे जैसे 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन होते हैं, और इस तरह से कैसे वर्ड, कैसे शब्दों को बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को कराई जाती हैं. नेक्स्ट इज गिवन मात्राएं और शब्द. मात्रा और शब्द बच्चों को कराया जाता है, लाइक सारी जो 12 खड़ी मात्राएं होती हैं, आ की मात्रा छोटी, ई बड़ी, ई छोटा, ऊ, इन सारी मात्राओं को कराया जाता है और उससे कैसे शब्द बनाते हैं ये सिखाया जाता है. नाउ मात्राएं और शब्द के बाद बच्चों को वाक्य बनाना सिखाया जाता है, वाक्य कैसे बनाया जाता है. नेक्स्ट है संज्ञा. बच्चों को संज्ञा के बारे में कराया जाता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं. संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के रूप भी बच्चों को कराए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है लिंग. लिंग क्या होता है ये बच्चों को कराया जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लाइक बैल, गाय, पिता, माता, भाई, बहन, इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं, इजी थोड़े ही वर्ड, क्लास 1 के कंपैरिजन थोड़े और ज़्यादा वर्ड्स ले लिए जाते हैं, तो इस तरह से बच्चों को ये चीज़ें याद करने के लिए दी जाती हैं और फिर इन्हीं से रिलेटेड बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वचन. वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसमें भी कुछ इस तरह के वर्ड्स बच्चों को दिए जाते हैं, लाइक आँख, आँखें, किताब, किताबें, चिड़िया, चिड़ियाँ, मेज़, मेज़ें, तो इस तरह के ये चीज़ें भी बच्चों को याद कराई जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम. सर्वनाम से भी बच्चों को बस इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया जाता है, बस सर्वनाम क्या है उन्हें ये बताया जाता है, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड उनको कुछ एक्सरसाइजेस करा दी जाती हैं, लाइक मैं, हम, इस तरह से इजी एक्सरसाइजेस सर्वनाम से रिलेटेड करा दी जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक विशेषण. विशेषण भी बच्चों को बस इंट्रोड्यूस ही कराया जाता है, इसके जो प्रकार होते हैं ये अभी क्लास 2 में उतना नहीं पढ़ाया जाता है. बस विशेषण मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, लाइक सुंदर, अच्छा, मोटा, फिर इसी से रिलेटेड बच्चों को थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया. क्रिया से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस ही कराया जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाना होता है, लाइक सृष्टि नाच रही है तो ये क्रिया है, पढ़ रहा है, सफाई कर रहा है, क्रिया मतलब कि जिस शब्द से पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड बच्चों को थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस दे दी जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है विलोम शब्द. विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, लाइक रोना, हंसना, सोता, जागता, मोटा, पतला, तो इस तरह से बहुत सारे कुछ वर्ड्स इस तरह से बच्चों को याद कराए जाते हैं थोड़े बहुत, लाइक हंसना, रोना, कमज़ोर, ताकतवर, कच्चा, पक्का, आलसी, परिश्रमी, तो ये सारे वर्ड्स बच्चों को याद कराए जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड उन्हें कुछ एक्सरसाइजेस दी जाती हैं इस तरह से मैचिंग के फॉर्म में, ठीक है, और फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में, लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द बच्चों को कराया जाता है, एक ही शब्द के बहुत सारे वो होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, लाइक आकाश, आकाश को हम गगन, अंबर, नभ, ये तीनों नाम से जानते हैं, पानी को जल, नीर, तोय, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं, दो टर्म में इसे हाफ टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है और लर्न करने के लिए दिया जाता है बच्चों को, और इसी से रिलेटेड
कुछ एक्सरसाइजेस इस तरह से पक्षी को पक्षी, विहग, सूर्य, रवि, पेड़ को पेड़ और वृक्ष इस तरह से दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लाइक लिखने वाला लेखक, पढ़ने वाला अध्यापक, लकड़ी का सामान बेचने वाला बढ़ई। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को याद कराई जाती हैं। इसमें भी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म करके हाफ हाफ पोर्शन में बच्चों को दिया जाता है याद करने के लिए, और फिर उसी से रिलेटेड इस तरह की डिफरेंट वर्कशीट्स दी जाती हैं। नेक्स्ट है गिनती। बच्चों को गिनती कराई जाती है, हिंदी में गिनती लिखना और ऐसे शब्दों में गिनती लिखना पूरा 1 से लेकर 20 तक बच्चों को कराया जाता है। नेक्स्ट है दिन और महीने के नाम, ये भी हिंदी में बच्चों को कराए जाते हैं, लाइक रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से हिंदी में बच्चों को ये सब कराए जाते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज कहानी लेखन तथा चित्र वर्णन। कहानी लेखन इस तरह से कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, और इस कहानी को पूरा करना है, इस तरह से कहानी लेखन आता है। चित्र वर्णन मीन्स चित्र की चित्र बना हुआ है, इसको देख के बच्चों को कहानी लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें क्लास 2 में बच्चों को कराई जाती हैं। तो ये था क्लास 2 का हिंदी एंड इंग्लिश का सिलेबस। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं मैथ्स और ईवीएस पे सिलेबस चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। उसके लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट कर दें, सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।